हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो सबसे अच्छी बात अभी तक के लिए ये है कि कल जो मैंने सैम्पल पेपर अपलोड किया है उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है, काफ़ी सारे उस पर व्यूज़ आए हैं और बहुत बच्चों ने थैंक्स किया है, लाइक किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलिए उस मोटिवेशन से जो कल आप लोगों ने दिया, उस मोटिवेशन को प्राप्त करके आज फिर से मैं एक नया सैम्पल पेपर लेकर के आया हूँ। ओके, सो सैम्पल पेपर ऐसे वन कहने को है, ये एलन इंस्टीट्यूट का ये सैम्पल पेपर है और वैसे ये सैम्पल पेपर थ्री रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आई थिंक थ्री या फोर जो भी हो, स्टार्ट करते हैं आज के सैम्पल पेपर को। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आज के स्ट्रेस पेपर का पहला क्वेश्चन है। वैसे आप जानते हैं स्कीम वही है, एक से लेकर 20 तक के आपको वन मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के आएंगे, उनमें आपको बहुत बढ़िया मौका रहेगा। कह रहा है द हाइड्रोजन इज पास ओवर अ हीटेड ऑक्साइड ऑफ द मेटल एक्स यूजिंग द एपरेटस शोन बिलो, अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज ऑब्टेंड। कह रहा है कि एक हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है ओवर अ हीटेड ऑक्साइड, ओवर अ हीटेड ऑक्साइड। तो कह रहा है कि एक हाइड्रोजन को पास किया जाता है हीटेड ऑक्साइड ऑफ मेटल एक्स, ओके, एपरेटस शोन बिलो रेडिश ब्राउन रेसिड्यू इज ऑब्टेन, और पास करने पर रेडिश ब्राउन रेसिड्यू आपको मिलता है। तो देखिए कौन सी रिएक्शन लगती है। आप जानते हैं कि कॉपर को जब गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास बनता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। बोलो यस और नो। और ये रहता है ब्राउन और ये रहता है ब्लैक। क्या रहता है? ब्लैक। अब देखो भाई, कॉप इसने गर्म किया है, गर्म करने के बाद यहां से ऑक्साइड ऑक्साइड बन चुका है, मतलब यकीनन ये क्या है? CuO है। क्या है ये? CuO। अगर आप CuO में पास करते हैं हाइड्रोजन गैस तो पानी निकल जाता है H2O और अकेले क्या छोड़ देता है? CU। मतलब यहां पर जो आपको कह रहा है कि रेसिड्यू ब्राउन कलर का है, तो ब्राउन कलर का रेसिड्यू क्या होगा भाई साहब? कॉपर ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर टू है, आइडेंटिफाई द सबस्टांस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड द सबस्टांस दैट इज रिड्यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइज हुआ है। भाई बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है एकदम। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन खा लिया तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो चुका है, और कॉपर ऑक्साइड ने CU छोड़ दिया है तो ये रिड्यूज्ड हो चुका है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? देखो भाई साहब, पहले क्या पूछा गया है ध्यान रखना, पहले ऑक्सीडाइज पूछा, पहले क्या पूछा है? ऑक्सीडाइज। तो H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। देखो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? H2। किस? अरे भाई साहब, H2 ने खाया ना, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? H2। और इसमें हुआ, हुआ ये और हुआ इसमें, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? H2। और रिड्यूस्ड कौन हुआ? जिसका निकला है ना, तो CuO। तो आंसर इसका क्या होगा? 2। ध्यान रखना भाई, जिसने ऑक्सीजन खाया है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, ऑक्सीडाइज हुआ है। यस और नो? हाँ, यस एग्जैक्टली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट अ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। भाई साहब ये मरकरी है और मरकरी के साथ यहाँ पर देखिए मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया जा रहा है। तो आपको बताना है मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकल चुकी है, ऑक्सीजन गैस निकल चुकी है ना, तो और यहाँ पर मरकरी डिपॉजिट हो चुका है, मतलब ये पक्का थर्मल डिकम्पोजिशन है। और इस रिएक्शन को यदि मैं लिखूँ तो HgO ब्रेक हो गया है, किसमें? Hg में और किसमें? O2 में। किसमें? O2 में। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, तो 2HgO इक्वल टू Hg प्लस O2। ये ब्रेक हो रही है बेटा, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगी, ये डिकम्पोजिशन है। और कैसा डिकम्पोजिशन है बेटा? ये थर्मल डिकम्पोजिशन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 4 नंबर, थर्मल डिकम्पोजिशन। बोली क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो भाई आना ही था, बोलो आना था कि नहीं आना था? ये तो आना ही था, याद हो गया बिल्कुल कि ऐसा पक्का होगा, कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है जो बताया था अपन ने। चलिए, इन एन एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम जिंक कॉपर एंड आयरन रिएक्टेड विद द दिस एंड FeSO4 सॉल्यूशन, द रिजल्ट आर टैबुलेटेड बिलो, मींस दैट रिएक्शन अकर एंड रिएक्शन नॉट अकर। ओके भाई साहब बहुत बढ़िया। अब बताना है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है। भाई साहब देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा लोगों को निपटा कौन रहा है? सबसे ज्यादा लोगों को, तीन लोगों को, 1, 2 और 3। देखो यस और नो, 1, 2, 3 है ना। तो यहां पर 3 जो है, जिंक है, जिंक CuSO4 को भी रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम भी कर रहा है ना। मतलब इसको ऐसे देखो यार, ऐसे ना देखो इसको, क्योंकि यहाँ पर हमको इसकी रिएक्टिविटी तो बतानी नहीं सॉल्ट की, हमको किसकी बतानी है? मेटल की बतानी है। तो देखो ये इसने किसने को निपटाया? 1 को। कितने को निपटाया? 2 को। तो जिंक के पास कितने पॉइंट आ गए? 2 पॉइंट। कॉपर के पास कितने पॉइंट? 0 पॉइंट। एल्यूमिनियम के पास कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। और Fe के पास कितने पॉइंट? 1 पॉइंट। अल्लो भाई साहब, अब तो बहुत आसान हो गया है ना, सबसे पहले 3 वाला। तो भाई सबसे ऊपर कौन है बोलो? एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के बाद कौन सा है? जिंक है। बस यही देख लिया, आगे बाय बाय। बोलो यस और नो। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? 4 ही होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई 2 ही देखना है ना, बाकी क्या करना अपन को? 2 आ गया आंसर, आगे बढ़ो भाई, समय कम है ना। यस,
हाँ, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुस करके पूछ लिया भाई साहब, जिनको मतलब रिफ्रेशर वगैरह पढ़ी होगी, यश चांद वेश चांद वगैरह, तो आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें कौन सी चीज कहां पे होती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ करता है। ओके, एक होता है कैथोड, एक क्या होता है कैथोड मतलब माइनस, और एक होता है प्लस, प्लस यानी कि एनोड, प्लस यानी कि एनोड, ठीक है ना। तो देखो भैया, एनोड जो होता है, एनोड इलेक्ट्रॉन को खाता है, बोलो खाता है कि नहीं खाता है, एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खाया करता है, बोलो यस कि नो। हाँ, तो एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को खाता है। अब एक चीज समझो तुम, मॉडर्न डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, इलेक्ट्रॉन को त्यागे, और इलेक्ट्रॉन का देना, निगेटिव चार्ज का देना कहां पर होगा बेटा, कैथोड पे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन लिए कहां पे जाएंगे, एनोड पे, कहां पे लिए जाएंगे, एनोड में। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई साहब, यहां पर जो होगा, यहां पे तो होगा क्या, ऑक्सीडेशन क्या होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, ऑक्सीडेशन होगा माइनस पे, मतलब कैथोड पे, कितने होगा कैथोड पे, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होगा कहां पे, कैथोड पे, और रिडक्शन जो होगा वो कहां पर होगा, एनोड पे, रिडक्शन मतलब गेन, रिडक्शन मतलब गेन। एक मिनट, एनोड जो, कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है, कैथोड जो होता है निगेटिव होता है, तो कैथोड तो इलेक्ट्रॉन देता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन देता है, ओके, कैथोड इलेक्ट्रॉन देता है एंड एनोड इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन, चलिए देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था उसको अवॉइड कीजिए, अब नए सिरे से समझिए, देखिए यहां पे क्या हो रहा है। आपके पास में जो सिचुएशन यहां पे दी गई हुई है, दो सिचुएशन यहां पे आपके पास में कैथोड बना हुआ है, ये देखिए सी फॉर कैथोड, ओके। तो जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, क्योंकि निगेटिव टर्म में मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना बेटा कहलाता है रिडक्शन, क्या कहलाता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना कहलाता है रिडक्शन। तो मतलब कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे, अब जब कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, एनोड पे, सीधी सी बात है, एनोड क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो भाई साहब बोलो, ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ, एनोड पे, ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ, एनोड पे, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे। अब इसकी ट्रिक मैं बता दूं आपको, देखो ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीजन वो भी क्या है, वॉवल है, और ए भी क्या है, वॉवल है, तो वॉवल की जोड़ी वॉवल से बना दो, ऑक्सीडेशन एट एनोड, यस और नो, और रिडक्शन एट क्या है, कैथोड, रिडक्शन क्या है, आर क्या, कॉन्सोनेंट है, और ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट की जोड़ी कॉन्सोनेंट से, कुछ नहीं आपको याद करना है, सीधे ऑक्सीडेशन ए आई ओ यू एनोड पे, रिडक्शन कॉन्सोनेंट है यानी कि कैथोड पे, बस हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया एनोड पे और रिडक्शन हो गया कैथोड पे, और बोलो क्लियर हो गया ना। चलिए, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे भाई साहब। देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट शोज द ऑरेंज रेड कलर विद अ ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर एडेड टू इट, दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ, देखो भाई साहब एक सॉल्ट है वो रेड कलर दे रहा है, कैसा कलर दे रहा है, रेड, ऑरेंज रेड कलर आपको दे रहा है, तो ऑरेंज रेड कलर यदि आपको दे रहा है तो ये किस प्रकार का सॉल्ट होगा। देखो भाई साहब, अब पहली चीज, अगर रेड कलर दे रहा है मतलब कि एसिड की तरफ है, किसकी तरफ है, एसिड की तरफ है, यस और नो, किसकी तरफ है, एसिड की तरफ है, और पूरा अगर आपको ये बिल्कुल एकदम रेड दे देता, क्योंकि इसने ऑरेंज रेड कलर दिया है मतलब उतना तगड़ा एसिड नहीं है ये, समझ गए ना, वह है मतलब उतना बहुत ज्यादा तगड़ा एसिड नहीं है, है ना, एकदम रेड होता है ना, तो फिर भी देखते हैं ये इस तरफ आएगा मतलब स्ट्रॉन्गर रीजन में आएगा। तो देखिए क्या है यहां पर, मतलब ये जो सॉल्ट है, मैंने आपको पढ़ाए थे जो सॉल्ट हुआ करते हैं एसिडिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं, तो ये बात तो पता चल गई, ये कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट, और एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, बोलो आ गया समझ में ना, क्लियर हो गया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो ये एसिडिक सॉल्ट है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 6 का ऑप्शन नंबर 3 मार्क करिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, बोलो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है बेटा, आ गया समझ में ना। तो दो प्रकार के सॉल्ट हुआ करते हैं,
है ना। वैसे कई प्रकार के होते हैं सॉल्ट, मैंने बताया थे, मगर मेनली हमको पढ़ना है एक एसिडिक सॉल्ट और एक पढ़ना है बेसिक सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट मैंने बताए थे, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं, वो क्या होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जाम्पल NaCl, एग्जाम्पल NaCl, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ये कंप्लीटली न्यूट्रल है। ये क्या है, कंप्लीटली न्यूट्रल है। बोलो आ गया समझ में, चले आगे फिर। चलो फिर आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाई एम एन एन रिप्रेजेंट सी एंड एच रिस्पेक्टिवली। ओ भाई साहब देखो उल्लू बना रहा, मैं तो सी रख दूंगा यहां पे और इसकी जगह क्या रख दूंगा, एच रख दूंगा, ठीक ना, इन द फिगर। व्हाट वुड बी द कंपाउंड। वाह भाई देखो दो कार्बन है, बोलो यस और नो बेटा, दो कार्बन है और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, मतलब C2H कितना हो गया, 6 हो गया। ओ हो, इतना सरल क्वेश्चन, इथेन है, क्या है आंसर, इथेन। तो 7th का सही आंसर भाई इथेन, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो बायोलॉजी मेरी बत्ती गुल। ओके 8वां क्वेश्चन क्या है देख लो, आप लोग पढ़ लो, मैं बस आंसर बता पाऊंगा इसका। देख लीजिए जीनोटाइप क्या है भाई, आपको एक मिनट दिया जाता है, जल्दी से देख लो, आपको मन करे तो बता दो, नहीं तुक्का मार दो जल्दी से, फिर मैं आंसर बताता हूं। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर 3rd ऑप्शन है। ओके करेक्ट आंसर इसका 3rd है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। अ बेसिक इवेंट इज इन रिप्रोडक्शन विच इज कैपेबल फॉर प्रोडक्टिंग सिमिलर मल्टीपल ऑफ ब्लू प्रिंट्स इज द। चलिए बताना है बेसिक इवेंट जो होती है रिप्रोडक्शन में, जो कि ब्लूप्रिंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है भाई, कौन सी होती है। देखिए 9th का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा, आंसर क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। द ब्लैंक रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी लार्ज द विज है ना वाया लार्ज वेन कॉल्ड वेना कावा। ओके बताओ भाई कौन रिसीव करता है, कौन रिसीव करता है। ओके बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, राइट अट्रियम, राइट अट्रियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। द लंग्स आर इंक्लोज बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड, बताओ भाई क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर। इसको बोलते हैं पेल्यूरा, पेल्यूरा क्या बोलते हो भाई इसको, पेल्यूरा। ओके इसको पेल्यूरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द लैक्टेल्स ऑफ, इसको लैक्टेल्स बोलते हो, ऑफ इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, बताओ भाई इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का, इसका मेन फंक्शन क्या है। एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड विटामिन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, लैक्टिक एसिड, करेक्ट आंसर इसका बेटा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन अ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस द करंट इज 100 मिली एम्पियर थ्रू इट, है ना। आपको बताना है रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर बताना है आपको। देखिए कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है। देखो V इक्वल टू होता है बेटा आई आर, है ना, तो R इक्वल टू कितना हो गया V अपॉन I। बेटा वोल्ट कितना दिया आपको 4 वोल्ट और करंट की जो रेडिंग दी गई 100 मिली एम्पियर, तो बेटा 100 और मिली मतलब 10 की पावर -3, ऊपर जाकर के 10 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोले ये सुनो, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 1000 में 3 जीरो तो 2 जीरो कट गए, बोलो कितना बचा 1 जीरो, तो आंसर कितना आएगा 40। तो आंसर करेक्ट आंसर इसका कितना हो गया 40 ओम, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, डन ना 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो एक्सप्रेस दिस, वोल्ट एम्पियर, किलो वाट आवर, वाट सेकेंड, जूल सेकेंड। देखो बेटा बड़े आराम से करना, आपको बता रहा है इलेक्ट्रिक पावर, बेटा पावर P इक्वल टू होता है V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई, V फॉर वोल्ट, I फॉर एम्पियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वोल्ट एंड एम्पियर, बोलो यस और नो। और किलो वाट आवर किसकी यूनिट है बेटा, एनर्जी की, किसकी यूनिट है एनर्जी की। बेटा वाट सेकंड किसकी यूनिट है, ये भी एनर्जी की है, यस और नो। और जूल सेकंड ये तो कोई यूनिट ही नहीं, छोड़ दो इसको गोली मारो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 आ गया भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड नॉर्थ बाई द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपको अपना लेफ्ट हैंड बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए कह रहा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड द वेस्ट, मान लो बेटा ये ईस्ट है और ये क्या है वेस्ट है, तो आपके इस तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है, और पता है आपको कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जाता है उसी तरफ क्या चलती, करंट, क्या चलती है करंट। अब देखिए ये नॉर्थ की तरफ डेविएट हो गया, बेटा नॉर्थ कहाँ होता है ऊपर, नॉर्थ कहाँ होता है ऊपर, है ना, इस तरीके से नॉर्थ की तरफ डेविएट हो गया है। तो ये अपना लेफ्ट हैंड निकालिए, ये देखिए अब लेफ्ट हैंड के बाद जो है आपकी करंट की डायरेक्शन यू, ये देखिए करंट की डायरेक्शन आपकी क्या हो चुकी है यू हो चुकी है, बोलिए यस और नो। करंट की डायरेक्शन आपकी क्या हो चुकी है यू हो चुकी है, इधर देखिए इस तरफ यस और नो, करंट देखिए उस तरफ हो चुकी है, और फील्ड कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर नॉर्थ की तरफ, बोलिए यस और नो। तो फील्ड कहाँ निकलेगा बाहर की तरफ, कहाँ निकलेगा बाहर की तरफ, यस और नो। तो इस तरीके से पूछा गया है कि इसमें फील्ड कहाँ निकलेगा, तो फील्ड आपको निकालना है बाहर की तरफ, यस सो एक मिनट, यस टूवर्ड्स आंसर, ये अपवर्ड, क्या है आंसर इसका अपवर्ड। तो 15 का 4 अपवर्ड मैंने बाहर की तरफ फील्ड निकलेगा, बोलिए क्लियर है ना, मतलब देखिए फील्ड कुछ इस तरीके निकलेगा, ये बाहर की तरफ आ रहा है ना,
इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से निकलेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अरे इंटर्स फ्रॉम अ मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू, देखो भाई सब क्या कह रहा है, आपको बताना है किसका, ये मीडियम बी है और मीडियम ए है, आपको बताना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, मतलब आपको बताना है म्यू बी अपॉन म्यू ए। देखिए यहां से रेस चली है और यहां पर जाकर के टूवर्ड्स द नॉर्मल अंदर हो गई है, बोलिए ऐसा नो, मतलब ये डेंसर है, मतलब ये क्या है, डेंसर है, मतलब इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब म्यू बी जो होगा बड़ा होगा, बोलो, मतलब ऊपर वाली चीज बड़ी हो नीचे वाली की चीज क्या हो छोटी है, जब बड़े में से छोटे को डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन क्या आएगा, वन ही तो आएगा ना, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी, क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी। तो इसका आंसर होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन था भाई साहब, 16 सॉरी बच्चों, तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन यूनिटी। चलिए तो ये हो गया हमारा पहला पोर्शन, अब इसके बाद चलते हैं, पहला पोर्शन नहीं हुआ है, अब हमको आगे हैं एसर्शन रीजन टाइप के तीन क्वेश्चन आते हैं, 17 to 20 चार क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है एसर्शन टू रीजन वाले। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में एसर्शन दिया गया है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज प्लेस्ड इन अ सनराइट, हाइड्रोक्लोराइड इज फॉर्म, हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म, भाई बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन भी होती है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा रखा है, H2 प्लस Cl2 और इसको सनलाइट में रिएक्शन कराई जाए, सॉरी यूवी बोलते हैं बेटा सनलाइट को, तो क्या बनता है बच्चों, 2HCl, क्या बनता है, 2HCl, बात तो बिल्कुल सही है कि 2HCl बना करता है, मतलब एसर्शन तो भाई साहब अपना ट्रू है, बोलो यस और नो, एसर्शन क्या है अपना, ट्रू है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओ भाई साहब ये क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, अरे ये तो कॉम्बिनेशन है भाई, अंधे को भी दिख रहा है कॉम्बिनेशन है, बोलो हाँ या ना, तो यस ये देखिए ये डिकम्पोजिशन है ही नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स, मतलब इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोलो क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, ब्रीथिंग की जो रेट होती है वो इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी के साथ बढ़ती है, सही बात है, ये तो मैं खुद महसूस करता हूं, रैपिड ब्रीथिंग सप्लाईज मोर ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल, बिल्कुल सही बात है, इसलिए दौड़ा करिए है ना, ऑक्सीजन सेल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, समझ गए ना, यस तो ये हो गया करेक्ट आंसर, इसका क्या होगा, ए है ना, क्योंकि एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रिसेंबल्स द प्रोटीन फ्री प्लाज्मा इन कंपोजिशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, रीजन दिया है द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल आर इम्परमिएबल टू लार्ज मॉलिक्यूल, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का बच्चों, आप लोग देख लो बायो वाले भाई साहब, गंभीर मेधावी बच्चों, प्यारे बच्चों देख लो इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर जो दिया हुआ है आंसर शीट में अपन लोग देखे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है आंसर शीट में, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आंसर शीट भी लेके आऊं मैं, ओके क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है ए दिया हुआ है ना, वैसे हमको आंसर्स की जरूरत नहीं पड़ती बट बायो में अपना डब्बा गोल है, इसका आंसर क्या है ए, क्लियर करेक्ट आंसर इसका है ए, मतलब एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज आल्सो ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि मैग्नीफिकेशन जो होता है लेंस का दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा है मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज निगेटिव, कॉनकेव लेंस का मैग्नीफिकेशन हमेशा निगेटिव होता है, भाई साहब क्यों, कॉनकेव लेंस में क्या वर्चुअल इमेज नहीं बनती है, बिल्कुल बनती है, कॉनकेव लेंस में जो लास्ट केस होता है उसमें वर्चुअल इमेज ही तो बना करती है, मतलब एसर्शन ट्रू ट्रू है मगर रीजन क्या है फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तीन नंबर वाला है ना, एसर्शन ट्रू है और रीजंस फॉल है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, तो ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स, बोलो क्लियर है, डन एनी प्रॉब्लम, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी पे कूद पड़े हैं हम लोग, चलिए सेक्शन नंबर बी देखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं। ओके, अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वॉज केप्ट इन आयरन पॉट, ओहो क्या कर रहे हो सर जी, आयरन के साथ CuSO4 रखा रहे हो, चलो भाई अच्छी बात है, ये तो नहीं करना चाहिए आपको। आफ्टर अ फ्यू डेज आयरन पॉट वॉज फाउंड टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स ऑन इट, ओके
लार्ज नंबर ऑफ होल्स ऑन इट। और क्यों ना हो, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है, ज्यादा है, आयरन तो फोड़ करके निकलेगा, कॉपर के पार्ट में बहुत सारे। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टुक प्लेस, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। वही बात कि आयरन की रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। जब आप इसके एक्वस सॉल्ट से इसकी लड़ाई करवाओगे तो ये उसकी बैंड बजा देगा। बोलो हाँ या ना, तो आ जाओ भाई, तो फिर पढ़ लेते हैं। आयरन इज मोर रिएक्टिव, ओके, मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कॉपर। सो व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 इज कैप्ट इन एन आयरन पॉट, द आयरन गेट ऑक्सीडाइज, Fe2+ आयन गेट डिजोल्व इन टू सोल्यूशन, दिस क्रिएट होल इन आयरन पॉट। कुल मिला के ये रिएक्शन आपको लिखनी है इंप्रेशन डालने के लिए। Fe+ CuSO4 एक्वस इक्वल टू FeSO4 प्लस कितना, यस, कॉपर अलग हो गया। बोलो यस और नो, ओके, एनी प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पे पहले आयरन था, आयरन ने क्या कर दिया, Cu+2 कर दिया, ओके, Fe+2 हो चुका है और यहाँ पर क्या हो चुका है, Cu+ बन चुका है, क्लियर है, CuS। ये रिएक्शन से आपको ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी। आपको मेनली यहाँ पर मतलब किससे है, यहाँ पर आपको मतलब है इस वाली रिएक्शन से, ठीक है ना, आपको ये मतलब है इस वाली रिएक्शन से। और यदि मैं इसको समझाना चाहूँ तो देखिए, सबसे पहले आयरन अकेला था, उसके साथ कोई आयन नहीं था, उसके साथ कोई आयन नहीं था, तो आयरन के ऊपर देखिए जीरो वैलेंसी थी, कितनी थी, जीरो वैलेंसी। और कॉपर जो है कंबाइंड स्टेट में कॉपर +2 और सल्फेट कितना, -2, मतलब Cu+2 था। तो यदि आयनिक फॉर्म में बोली जाए तो आयरन तो न्यूट्रल स्टेट में था और कॉपर +2 के साथ रिएक्ट करता, तो होता क्या है, आयरन खुद एक्टिव मोड में आ जाता है +2 लेकर के और कॉपर को भगा देता है। बोलो यस और नो, तो ये इसके बारे में दिखाई गई है। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये रिएक्शन भी लिख दी तो पूरे पूरे आपको मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये देखो भाई, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड इन द फॉलोइंग मेटल, हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल, इन विच केसेस यू विल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है ना भाई, देखो क्या कह रहा है, मतलब आपका जो है ये दिया गया है, ये मेटल है, यहाँ कंपाउंड है, आपको इनके साथ रिएक्शन करानी है। देखो जिंक ऑक्साइड की किसकी रिएक्शन करानी है, जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन करानी है, मैग्नीशियम के साथ, जिंक ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन करानी है, कॉपर के साथ, फिर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की किसके साथ करानी है, जिंक के साथ, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की किसके साथ, कॉपर, फिर आपके पास कॉपर ऑक्साइड की जिंक के साथ, कॉपर ऑक्साइड की मैग्नीशियम का, कॉपर कॉपर। कह रहा कि बताइए आपको कौन सी रिएक्शन, ऑल्सो गिव केमिकल इक्वेशन टू द रिएक्शन इन्वॉल्व, आपको इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व भी बतानी है। आ जाओ भाई साहब देखो क्या होगा, हाँ जिंक Mg, ओके ये जिंक है Mg, चलिए देखिए, कान का मंगल जानू। बोलो भाई कौन है रिएक्टिव, मैग्नीशियम है कि नहीं है, जिंक के ऑक्साइड को भगा देगा कि नहीं भगाएगा, तो जिंक को निकाल फेंकेगा, ऑक्साइड को निकाल फेंकेगा, क्या बना लेगा, जिंक प्योर और मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए तो ये पहला पार्ट हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए जिंक हो गया, जिंक के साथ है, ये हो गया, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉपर विल नॉट गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द जिंक ऑक्साइड बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। मतलब यदि आप जो है कॉपर की रिएक्शन करवाओगे जिंक ऑक्साइड के साथ, कॉपर की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, जिंक ऑक्साइड के साथ, ये देखिए यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन आप करा रहे हो, कोई बोलो जिंक ऑक्साइड को कुछ करेगा, अरे कुछ नहीं कर पाएगा, अरे मैग्नीशियम को कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसका भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो कॉपर के साथ तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, खत्म कर दो कॉपर का खेल। चलो अब बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड विल नॉट गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद जिंक। भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो MgO है, वो जिंक के साथ रिएक्शन नहीं देगा, क्यों, देख लो ये Zn है, ये MgO है, बोलो यस और नो, Zn है और क्या है, MgO, कान का मंगल, भैया मंगल तो ऊपर आता है ना, जिंक तो नीचे आता है, बोलो यस और नो, तो यहां पर कोई रिएक्शन आपको नहीं देगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड विल नॉट गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, ये इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। एनी प्रॉब्लम बच्चों, मैग्नीशियम खुद के साथ भला क्यों देगा, नहीं देगा, बोलो यस और नो, ठीक है ना। और कॉपर तो लो रिएक्टिविटी है, लो रिएक्टिविटी वाले को नहीं रिप्लेस करेगा कौन, सॉल्ट रिप्लेस नहीं करेगा, यस और नो। चलो अगला, बोथ जिंक एंड मैग्नीशियम कैन गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द कॉपर ऑक्साइड। मतलब यदि देखी जाए तो रिएक्टिविटी की, तो जिंक भी भगाएगा कॉपर को और मैग्नीशियम भी भगाएगा, ओके, दिस इज बिकॉज बोथ जिंक एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये देख लीजिए रिएक्शन, ये मैग्नीशियम है, कॉपर ऑक्साइड है, देखो मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया और ये क्या आ गया, कॉपर। दूसरा जिंक है विद कॉपर ऑक्साइड है, ये देखिए कॉपर अलग हो गया और ये क्या बन गया, जिंक का ऑक्साइड। एनी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन बड़ा था और ये परीक्षा लेगा आपके संयम की, समझ गए ना, आपके धैर्य और संयम की परीक्षा लेगा ऐसा क्वेश्चन।
चलिए लेते हैं एक मिनट का शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है एक मिनट के ब्रेक के बाद। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। भाई साहब बायो का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए सोल्यूशन लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड बिकॉज इट रिसीव्स थ्री टाइप ऑफ जूसेस, दैट इज बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियास एंड इंटेस्टाइनल जूस acts on the food and help complete digestion। इसलिए भाई साहब जो small intestine है, जो छोटी आंत होती है, उसको क्या बोला जाता है, site of complete digestion, पूर्ण पाचन की जगह है ना, खाने को लगभग लगभग पूरा वो पचा देती है। चलिए बिल्कुल पूरे ही कह रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि खाने को लगभग नहीं पूरा पचा देती है, विशेषज्ञों को हम अपने धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाल गोपाल बचपन वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस बताइए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। बेटा याद कर लो, मेरे टीचर डराया करते थे इस रिएक्शन को और मुझे उस समय याद नहीं होती थी रिएक्शन, इसको याद कर लो बेटा। देखिए फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। पहला नंबर फूड, बाय फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, दस इट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, जिसकी वजह से पौधा जीवन व्यतीत करता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिलीज, सब कोई जानता फोटोसिंथेसिस से कौन सी गैस रिलीज होती है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी होती है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस नीडेड बाय द एनिमल्स एंड ह्यूमन फॉर द रेस्पिरेशन, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ माइक्रोब्स, ऑक्सीजन आल्सो सपोर्ट द कम्बशन ऑफ फ्यूल्स। देखते हैं तो ये है भाई साहब, याद रखिए 6CO2 एटमोस्फियर की ऑक्सीजन, पौधों के अंदर का पानी, क्लोरोफिल की प्रेजेंस, सोलर एनर्जी का हाथ, बन जाता है पौधों के अंदर ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ओके, और जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस 6O2 प्लस 6H2O, बोलो क्लियर हो गया। तो यहां पर इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है क्या, रेस्पिरेशन प्रोसेस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग को समझाइए। ये देखो भाई हाइड्रा में बडिंग को एक्सप्लेन करना है। हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर द रिप्रोडक्शन, मतलब हाइड्रा में रीजनरेशन होता है, एम आई राइट? यस, हाइड्रा में रीजनरेशन होता है। इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एट आउट ग्रोथ टू रिपीटेड सेल डिवीजन एंड एट वन स्पेसिफिक साइट, दीज बड्स डेवलप इन टू टिनी इंडिविजुअल एंड fully mature detached from the parent body and become a independent individual। तो इस तरीके से हाइड्रा में क्या हुआ, रिजनरेशन हुआ कि बडिंग हो गई, पहले बड्स बने, बड्स अलग हो गए तो रिजनरेशन हो गया, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है ना। बाकी आप बायोलॉजी के विशेषज्ञों से पूछे, इसके बारे में जानकारी मुझे कम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये लो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 25 आ चुकी है, फिजिक्स सांसें हो गई हैं एकदम से कमजोर। देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ डिवाइस ऑफ VINT वे, ओके, इन द टर्म्स ऑफ VIT। भाई साहब डिराइव करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करेंट ड्रॉन बाय इट एंड T इज द टाइम फॉर करेंट फ्लोज। पहले मैं अपनी लोकल भाषा में आपको सिंपल लैंग्वेज में डिराइव करा दूं, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि कैसे। तो भैया हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, W इज इक्वल टू क्यू बाई टी, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ओके, V इक्वल टू W बाई क्यू होता है, V इक्वल टू W बाई क्यू। ओके, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड V इक्वल टू W बाई क्यू। तो W इक्वल टू कितना हो गया बेटा, Q इंटू V, W इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू V, बोलो यस और नो। ओके, Q इंटू V, हमको क्या निकालनी है, एनर्जी, क्या निकालनी है, एनर्जी। तो ये हमारे पास Q आ चुका है, ओके, यहाँ पे हमारे पास Q आ चुका है। अब हमें किसको इंट्रोड्यूस कराना है, हमको इंट्रोड्यूस कराना है यहाँ पर करंट को, हमको इंट्रोड्यूस कराना है यहाँ पर अपन को किसको, करंट को। वेट, वर्क डन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो W बाई क्यू, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, बिल्कुल सही है। ये हमारे पास आ चुकी है एनर्जी, और किसका डेरिवेशन निकालना है हम लोग को, किसका डेरिवेशन निकालना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ डिवाइस। अच्छा, टाइम के टर्म्स में निकालना है,
टाइम स्केट हमें निकालना। आ गया भाई साहब, चलिए आइए देखते हैं कैसे आएगा। देखिए आप जानते हैं करंट की डेफिनेशन, I इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी हो गई आई टी, उठा करके पुट कर दो तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू की जगह क्या आ जाएगा आई टी इंटू कितना वी, बन गया वर्क इज इक्वल टू आई इंटू टी इंटू वी, जिसको लिख सकते हैं वी आई टी। और आपको पता है वर्क ही क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, और जब बात इलेक्ट्रिसिटी की हो तो इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला वी इंटू आई इंटू टी। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस में कैसे कहा गया भाई साहब, सॉल्यूशन में ये देखो भाई साहब, ओहो पावर का हवाला दे दिया भाई, पावर से तो और ही सरल हो जाएगा। आप जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है पी इक्वल टू वी आई, आप लोग जानते हैं ना पी इक्वल टू वी आई, ओके पी इक्वल टू वी आई हुआ करता है, ठीक है इसको हटाओ। ये जो पावर होती है आप जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यू नो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और पी इक्वल टू कितना होता है वी आई इंटू कितना टी, तो आंसर कितना हो गया वी आई टी। तो बेटा अगर आपको पोटेंशियल के पंगे में नहीं पढ़ना है, जो मैंने पंगे में डाल दिया था आपको वोल्टेज के, तो आपका वो वाला भी सही है, है ना। तो जो अच्छा लगे, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो आपको करना चाहे तो जो भी करना हो। सो द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाई ए सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज गिवन बाई इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कह गया भाई इतने कठिन शब्दों में? ये कह रहा है कि किसी सर्किट में से किसी गिवन टाइम के लिए करंट को मेंटेन रखने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, करंट को फ्लो रखने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिल्कुल उसी प्रकार से कि आप अपने घर से अपने टंकी में पानी चढ़ा रहे हैं, तो पानी से टंकी नीचे वाली टंकी से ऊपर वाली टंकी में पानी का फ्लो मेंटेन रखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को बोलते हो भाई साहब हाइड्रोलिक एनर्जी, है ना। तो यहां पे वो पानी वाली एनर्जी थी, तो यहां पे भी करंट को मेंटेन रखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको बोलोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी, सो क्या बन गया वी आई टी। चलो भाई साहब इसकी यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है? जूल। और जूल को एक्सप्लेन करो भाई साहब पूरा जूल, तो वी फॉर वोल्ट, आई फॉर एम्पियर, टी फॉर सेकेंड। तो आंसर वन जूल इक्वल टू वन वोल्ट, आई के साथ एम्पियर, और ये कितना सेकेंड, तो वन वोल्ट एम्पियर सेकेंड, वन वोल्ट एम्पियर सेकेंड। अब बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, बच्चा बच्चा जानता है के डब्ल्यू एच, वन के डब्ल्यू एच, है ना। कितना होता है? तो वन के डब्ल्यू एच इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। लिख लो बेटा कल के एग्जाम में ये आ सकता है, वन किलो वाट आवर एच, वन किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जब बिजली की आप खपत निकालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जब आप कंजम्पशन निकालते हैं, तो वन के डब्ल्यू एच को बोलते हैं बच्चा पार्टी वन यूनिट। क्या बोलते हैं? वन यूनिट। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है 10 यूनिट, 15 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, उसमें जो वन यूनिट होता है वो वन के डब्ल्यू एच हुआ करता है, एंड दिस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मेटल वायर हैज अ डायमीटर 0। ओह ये क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, आप लोगों ने सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने क्या लेंथ निकलवाई थी, क्या निकलवाई थी? लेंथ निकलवाई थी। सबसे पहले अपन को डायमीटर दिया गया, कितना दिया गया है डायमीटर, सावधान मिलीमीटर है, मिलीमीटर को किस में बदलोगे? मीटर में। कितने बदलोगे? मिलीमीटर को मीटर में। तो ये डायमीटर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इतनी दी गई है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 5 ओम। यस याद है कुछ? आर इक्वल टू रोले, क्या होता है रोले, आर इक्वल टू रोएल अपॉन ए। तो भाई साहब आपको एल निकालना, बाकी सबको किनारे कर दो, तो कितना हो जाएगा आर ए बाई, कितना हो जाएगा रो, कितना हो जाएगा आर ए बाई रो। चलो भाई देख लो, हाँ ये दिया गया है डायमीटर इक्वल टू 0.25 mm। सबसे पहले क्या बदला? मीटर को मिलीमीटर को मीटर बदला, 10^-3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, तो डायमीटर किस में बदल गया? रेडियस में। किस में बदल गया? रेडियस में। रो दिया है बोलो हाँ या ना, ओके। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ निकालनी है, तो देखो आर इक्वल टू रो ले, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आर ए बाई रो, आर ए बाई रो। बोलो यस और नो? आर का पता है कितना? 5 है। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई को बाहर रखा, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी निकली? ये निकली है। बोलो यस और नो? तो रेडियस आपको ये निकली, इसका स्क्वायर कर दो, और नीचे अपॉन में कितना है? रो है, रो की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, ये देखिए 8 × 10^-8, संघर्ष करना पड़ेगा, आंसर आएगा कितना? 30.7 मीटर। ओके, मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करिए, एटलीस्ट कैलकुलेशन आप सबसे लास्ट के लिए छोड़िए, क्योंकि आप इतने मैच्योर नहीं होते बच्चों कि कैलकुलेशन को आप टीचर्स के जैसे आइडिया के साथ कर पाएं। हम लोग को जो प्रैक्टिस होती है, कई साल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते तब हम लोग को आता है कि कौन सा स्टेप उठाना है, कब उठाना है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप सबसे लास्ट में ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करें, क्वेश्चन भले कर दें
बट आप क्या करेंगे, इनको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। समझ में आया? और आप क्या करेंगे, इस बात से ये भी समझ में आ रही है कि अपन को क्वेश्चन पेपर कैसे करना है। जब आप क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करना है जो आपको सबसे अच्छा बन रहा हो, ओके okay, उसको आप नंबर दे दीजिए नंबर वन उन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको 20 मिनट्स क्वेश्चन पढ़ने के लिए 10 मिनट्स आपको सेपरेट दिए जाते हैं। कितने, 10 की 20, 15 मिनट, एंड 15 मिनट आई गेस इट इज़ एनफ। 15 मिनट जो होता है पेपर को पढ़ने के लिए और समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। 5 मिनट में पढ़ने वाला पढ़ सकता है, आप तो 15 मिनट में भी आई एम श्योर कि आप लोग 10 मिनट में पढ़ लेते होगे और 5 मिनट में आराम से उंगलियां चलाते बैठे होगे टेबल पीटते हुए, है ना? यस yes, तो अच्छी बात है। तो 15 मिनट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, तो उनमें पेपर में कैटेगराइज कर दो, जो मेरे को बन रहा है सबसे अच्छा उसको वन नंबर दे दो, जो मेरे को धीरे से बन रहा है थोड़ा थोड़ा याद है टूटा फूटा उसमें दो नंबर दे दो, जिसमें मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस क्वेश्चन को कैटेगरी पेंसिल से 3 स्टार या 3 जो भी आपके नंबर दे दो, और जो क्वेश्चन में आपको कंप्लीटली तुक्का मारना है, झूठ बोलना है, मक्कारी करनी है, उसको 4 का नाम दे दो। सबसे पहले आप नंबर 1 का क्वेश्चन करो, उसके बाद 2 का करो, उसके बाद किसका करो, 3 का। समझ गए ना? ये मतलब बम फोड़ेंगे, समझ गए ना? इसमें धमाका होगा, इसमें थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, और इसमें टोटल संघर्ष रहेगा, बहुत ही ज़्यादा वाला संघर्ष रहेगा। समझ गए ना? 1 मतलब जो बिल्कुल आँख मूंद के बनता है, 2 मतलब जो आँख खोल के बनता है, 3 जो थोड़ा बनता है थोड़ा नहीं बनता, और 4 जो बिल्कुल नहीं बनता है, बिल्कुल 3 मतलब जो लप लप आ रहा है। समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन। तो बेटा ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आप कर लीजिए, इसको करने के बाद आप इस तरीके से दे दीजिए। अगर आप ये स्ट्रेटजी लगाते हैं तो आप घर में जो सोच करके आते हैं कि मेरे मार्क्स जो हैं 50 से 60 के बीच में आएंगे, मतलब 10 नंबर कम या 10 नंबर ज़्यादा, मतलब आपने 50 का किया तो आप 10 का कम छोड़ के 10 ज़्यादा ऐसा लेते हैं, कि 50 का किया तो 40 तक आ सकते हैं और एकदम कितना 60 तक आ सकते हैं, तो आप जो है फिर इसके बाद प्लस प्लस में ही जाएंगे, कभी आप माइनस में नहीं जाएंगे। तो ये एक फायदा है, यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर ली है इस ऐसे क्वेश्चन के लिए। जैसे अभी ये कैलकुलेशन है तो इसको लास्ट के लिए छोड़ दो, इसको लास्ट के लिए छोड़ दो। कई बार आपका पेपर पहले हो जाता है, आप ढूंढते हैं करें क्या यार, फालतू बैठे रहते हैं, उस समय ये सब कैलकुलेशन करो आराम से, एक तरीके से, 2 तरीके से 3 तरीके से, ओके डन। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन को काटने वाले हैं, आपको उसका आंसर नहीं पता है, आप उसको काट रहे हैं, आपने दूसरा आंसर भी नहीं लिखा है, अगर दूसरा आंसर नहीं लिख रहे हो तो पहले आंसर वाले को मत काटो कभी भी, क्योंकि जितना भी पार्ट सही होगा जांचने वाला आपको वहां तक के नंबर देगा भले आंसर गलत है। आप ये सोच के मत काटे आओ कि इसको मैं पूरा काट देता हूँ, है ना, कहीं एग्जामिनर चिढ़ ना जाए। अरे क्यों काट रहे हो? क्या आप उसका अल्टरनेट सोल्यूशन लिख रहे हो? अगर लिख रहे हो तो काटो, नहीं तो बिल्कुल काटने की जरूरत नहीं है। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। ये प्यारी प्यारी बातें हमने कर ली इस पेपर के दौरान में। आ गया है अगला क्वेश्चन, डरावना, क्योंकि ये है बायोलॉजी का क्वेश्चन। ओहो, क्वेश्चन नंबर 26। आई स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाफ ऑफ द स्पर्म हैज एक्स क्रोमोजोन दैट इज 22+X। आई थिंक यार ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था, ये वाला, कल अपन ने किया था, है ना, एंड दैट हाफ हैव वाई क्रोमोजोम दैट इज 22+X एंड 22+Y बोथ इन इक्वल नंबर, देयर आर 50% चांस ऑफ ए 22+Y बॉय, 50% चांस ऑफ ए 22+X गर्ल टू बॉर्न द बोथ द पेरेंट्स बींग बॉर्न बोथ टू द पेरेंट्स दस मेकिंग द स्टैटिस्टिकल प्रॉबिबिलिटी 50-50। ओके भाई, तो इसमें जो भी करना है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। ओ, ये सोल्यूशन ही पढ़ दिया मैंने, ओ भाई साहब देखिए, तो ये तो हाल है मेरे, है ना, समझ रहे हो बच्चों, मैंने बायोलॉजी का टीचर ना बन के कितना अच्छा काम किया, मतलब फिर तो क्या बोलो भाई साहब, है ना, हाँ बिल्कुल एलियन ही आ जाते। देखो भैया क्वेश्चन क्या था, इन ह्यूमन बींग स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर मेल एंड फीमेल चाइल्ड इज 50-50, गिव ए सुटेबल एक्सप्लेनेशन। लियो भाई, ये है इसका सुटेबल एक्सप्लेनेशन जो मैं पढ़ गया, इतना बड़ा आंसर था इसका, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए जी भर के, 2 मिनट आपको देता हूं मैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा आई होप। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए फिर से, इन अ ह्यूमन बींग द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल और फीमेल चाइल्ड, मतलब कि कोई फैमिली है, इंसानों की कोई परिवार है, उसमें बच्चों के पैदा, फीमेल चाइल्ड मतलब लड़के या लड़की, पुत्र पुत्री के पैदा होने के चांसेस 50/50 यानी 50-50 हैं, उसको बताओ, उसको एक्सप्लेन करो, बस इतना ही समझा सकता हूं मैं, बाकी आप लोग देख लो 1 मिनट के लिए। चलिए तो बच्चों सेक्शन सी में आप सभी का स्वागत है, करते हैं सेक्शन सी, क्या कह रहा भाई साहब सेक्शन सी देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27-33 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, देखिए, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन एक्स है, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ओ भाई साहब, मतलब इसके अंदर भरा है BaCl2। चलिए BaCl2 है, अब इसके बाद क्या कह रहा है देखिए, कह रहा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़। यार इसमें कोई कलर तो दिया नहीं है, 1 मिनट, कोई कलर तो दिया नहीं है,
चलिए, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, ओके व्हाइट पीपीटी बोल दिया है, मतलब भाई साहब यहां पर क्या बन गया है, BSO4, क्या बन गया है BSO4, मतलब पक्का यहां पे क्या दिया गया होगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट दिया गया होगा। तो कह रहा एक्स क्या है, तो एक्स आपके पास में क्या है बोलो, यहां पे Na2SO4। ओके व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, लिख लोगे बड़े आराम से, ये देख लो भाई साहब ये रिएक्शन है। तो एक्स की वैल्यू क्या आपको दी गई है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, वाई क्या है, बेरियम सल्फेट है। इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ये देखो भाई साहब, ये प्लस की पार्टी, ये माइनस की पार्टी, ये प्लस की पार्टी और ये माइनस की पार्टी। अब होगा पार्टनर चेंज डांस, सोडियम जाएगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन जाएगी सल्फेट, बेरियम जाएगा सल्फेट के साथ। यस और नो, पार्टनर हो गए हैं चेंज, BSO4 और Na और Cl। यस देख लीजिए, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है अनसॉल्युबल सब्सटेंस, बोलो डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द कोवेलेंट कंपाउंड, को मतलब कि दोनों, वेलेंट मतलब शेयरिंग, ओके दो एलिमेंट की म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को, उनके इलेक्ट्रॉन के बीच की म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इसमें कुछ भी हाई नहीं होता, ये कम कम होते हैं, ओके इनके बॉन्ड जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं सॉलिड होते हैं, ये होते हैं जनरली गैसियस एंड लिक्विड। लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, लियो भाई प्रॉपर्टीज बतानी है, बता देते हैं। चलिए ये देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड, दोस कंपाउंड इन विच एलिमेंट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट शेयर्ड और इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाई द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, वेयर एज कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। यस प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, दे डू नॉट फॉर्म आयन इन एक्वस सोल्यूशन, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर मोस्टली इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। यस ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, बट ये इनऑर्गेनिक मतलब कि ये आयनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होते, जैसे पानी में नहीं घुलते हैं। एग्जाम्पल मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, ये सारे के सारे जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए ये पानी में नहीं घुलेंगे। एग्जैक्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट विच प्रोड्यूसेस ओवम, भाई ओवम कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी प्रोड्यूस करता है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस फिलोपियन ट्यूब, वेयर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स, यस यूट्रस। चलिए भाई साहब अब देखते हैं आंसर इसका, तो ये देखिए ये आपको बनाना है, ओके ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसने दे दिया है, ये है ओवरी, ओके यहाँ पे एक्स बनते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की साइट है, इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और यहाँ पे एम्ब्रो डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं यूट्रस। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, स्टेट रोल ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको बताना है इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको रोल बताना है, नेजल हेयर्स, डाइफ्राम, एलिबोली, नेजल कैविटी, भाई साहब इनके आपको यूज बताने हैं। देखिए नेजल हेयर्स, नाक के बाल, दीज आर द फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन द इनर लिनिंग ऑफ द नेजल पैसेज, दीज हेयर हेल्प टू फिल्टरिंग द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स सो दैट द जम फ्री एयर क्लाउड रीच टू द लंग्स, सही बात है, धूल वगैरह के पार्टिकल वगैरह ये रोक लेती है। देन डाइफ्राम की बात करते हैं, इट इज अ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन द ट्रेव, अरे तुम लोगों ने यार बायोलॉजी साल भर पढ़ी है, बोल नहीं पा रहे हो कैसे हो तुम लोग, टोरेक्टिक बोल रहा कोई, थोरैकिक एंड एब्डोमिनल रीजन इन आवर बॉडी, मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम हेल्प्स इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। चलो भाई साहब एलिवोली देखे, एलोवोली बोलते हैं, चलो एलोवोली, दीज आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर मीनिंग इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। चलो नेजल कैविटी की बात करते हैं, नेजल कैविटी कंडीशंस द एयर इंटरिंग दैट इज वार्म एंड मॉइस्चर इट, ठीक है ना, द वाइग्रस ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स आर स्टोमेटा, रूट हेयर्स एंड लेंटिकल्स। एग्जैक्टली चलिए अगला चलते हैं, ये हो चुका सेकेंड पार्ट था भाई, नेम द वाइग्रस ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन, सॉ नॉट द वाइग्रस, वेरियस ऑर्गन दैट आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। चलो भाई तो ये बायो वाला पार्ट भी खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं जो कि फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 30, इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, लियो भाई साहब कॉनकेव मिरर, कट 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 कट, कॉनकेव में एक ही में वर्चुअल इमेज बनती है जिसमें आप फोकस के बीच में होते, पोल और फोकस के बीच में, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ओके
मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ओके, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस। सो इजी बेटा, डायग्राम बना देना आपको, ये देखिए ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, ये इसकी फोकस है, इसके बीच में आपने रख दिया, एक रे जो चलेगी इधर से आई एंगल पे, बिल्कुल उसी एंगल पे आर पे बाहर आ जाएगी, दूसरी रे जो ये जा रही है ये लौट करके पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, इनको बढ़ाइए इधर की तरफ, ये वर्चुअली मिला दीजिए, ये आपका इमेज बन गया। बोलो क्लियर है? यस यस, ये इसका 12 है। द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी 0 to 12 सेंटीमीटर। कह रहा कि भाई ये ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ रखोगे, भाई यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कहीं भी रख सकते हो, मतलब ये क्या है 0 to 12। ओके, द इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर। ओके, मतलब कुल मिला आपके आपको वी निकालना है, आपको फोकल लेंथ ऑलरेडी दे दी गई है, फोकल लेंथ कितनी है 12 है और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। चलिए आइए रख दीजिए फॉर्मूले में, सो 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/u + 1/v, बस फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर कितना आ रहा -24, कितना आ रहा -24, -24 मतलब कि क्या मिलेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके वेट, सॉरी बेटा -24 है ना, हाँ ठीक है, इसी तरफ मिलेगा, बिल्कुल सही है, वर है ना, रियल एंड इन्वर्टेड क्यों बोल रहे हो भाई साहब, -24 है तो वर्चुअल मिलेगा, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्टेड मिलेगा, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही रोमांचक रोचक क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। यस, ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 31, सपोज योर पेरेंट्स हैव कंस्ट्रक्टेड टू रूम्स हाउस एंड यू वांट दैट इन लिविंग रूम देयर शुड बी ए प्रोविजन ऑफ वन इलेक्ट्रिक बल्ब, वन इलेक्ट्रिक फैन, ए रेफ्रिजरेटर एंड ए वन प्लग पॉइंट ऑफ अदर अप्लायंसेस। ड्रॉ इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम फॉर द लिविंग रूम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड अर्थिंग एज सेफ्टी मेजर। भाई साहब ध्यान रखिए क्या क्या लगवा रहा बच्चा, इलेक्ट्रिक बल्ब 1, इलेक्ट्रिक फैन 2, ए रेफ्रिजरेटर 3 एंड अ प्लग पॉइंट, मतलब 4 पोर्ट, टोटल पोर्ट ये डेवलप करवा रहा है और चारों को आपको रखना पड़ेगा पैरेलल में और साथ ही इलेक्ट्रिक फ्यूज भी है। आइए देखते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ये देखिए यहाँ पर ये रखा, देखिए ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब का पोर्ट लगा है 1 2, बोलो हाँ है ना, पैरेलल में लग गया। दूसरा ये क्या है बेटा, फैन है। ये क्या है बेटा, फ्रिज है। ये क्या है, फ्रिज है। और ये क्या आपके पास में प्लग पॉइंट है, क्या है बेटा, प्लग पॉइंट है, बोलिए ऐसा नो। अब देखिए ये जो होता है बल्ब होता है, प्लस बल्ब में आपने देखा होगा दो ही होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, इसमें अर्थिंग नहीं होता, इसमें अर्थिंग नहीं होता क्योंकि ये लो पावर है। क्या है ये, लो पावर। ये भी देखिए इसमें फैन में भी अर्थिंग नहीं हुआ करती है, मगर ये देखो बेटा फ्रिज होता है, फ्रिज का आपने प्लग देखा होगा 3 वाला होता है, तो देखो फ्रिज में अर्थिंग हुआ करती है और ये अर्थिंग ले जाकर के बाहर वाले वायर से कर दो और इसको यहां दे दो अर्थ वायर, बोलो ये सुनो। ओके क्लियर हो गया, ये सारा का सारा हो चुका है। इसके बाद 220 की सप्लाई है, यहां से ले जाइए और इसके बाद कर दीजिए किसमें, यहां देखिए टू अनदर रूम, टू अनदर रूम, बोलो। और उसके बाद क्या लगेगा, मीटर, क्या लगेगा, मीटर। और यहां पर क्या रहेगा, मेंस बोर्ड, क्या रहेगा, मेंस फ्यूज बोर्ड, है ना, मीटर आने के पहले सप्लाई में क्या रहेगा, फ्यूज बोर्ड। ये हो गया, ऊपर वाला हो गया लाइव वायर और नीचे वाला हो गया न्यूट्रल वायर। तो ये क्लियर हो चुका है इस तरीके से, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है और ये इसका प्यारा सा लिविंग रूम है, लिविंग रूम का ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहां पर, मैं इनको बधाई देता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है यहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ये देखो अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा आपके सामने। इन द फिगर गिवेन बिलो अ नैरो बीम ऑफ द व्हाइट लाइट इज शोन टू पास थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट प्रोड्यूसेस अ स्पेक्ट्रम एक्स वाई ऑन द स्क्रीन, नेम द फिनोमिनन। अरे भाई साहब डिस्पर्सन बोलते हैं, स्टेट द कलर्स एक्स एंड वाई। भैया नीचे कौन सा आएगा बोलो, अरे नीचे कौन सा आएगा, नीचे वायलेट आएगा, ऊपर कौन सा आएगा, रेड आएगा, बिल्कुल सही बात है, एक्स एंड वाई। वाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल थ्रू द प्रिज्म, क्योंकि भाई साहब अलग अलग कलर की स्पीड अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग स्पीड अलग अलग होती है और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग सेट होंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे तो उनका डेविएशन भी अलग अलग होगा। अब देख लेते हैं भाई किताबी भाषा में इसका आंसर क्या है। ये देखिए द फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन, एक्स इज वायलेट एंड वाई इज रेड, एक्स वायलेट है और वाई क्या है, रेड है, सबसे नीचे वायलेट है, ऊपर क्या है, रेड है। चलिए डिफरेंट कलर ऑफ वाई लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम ऑफ द लाइट ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म। यस वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। भाई 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम अलग अलग बैंड मिलते हैं अलग अलग जगह पे अरेंज हो जाते हैं उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके अभी देख लेंगे व्हाट, व्हाई द स्टॉपिंग लाइट इज चूजन,
टू बी रेड इन कलर, बिकॉज भाई इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज्यादा। अभी भी मैंने रेड कलर इसीलिए यूज कर रखा क्योंकि स्कैटरिंग सबसे कम होती है और इसको देखने में आंखों में गाढ़ा होता है, क्या होता है आंखों में गाढ़ा हुआ करता है। ओके, बट याद रखिएगा आंखों के लिए सबसे सेंसिटिव कलर ब्लू कलर है। कौन सा कलर है? ब्लू कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। मगर रेड कलर जो है आंखों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ओके, गाढ़ा हुआ करता है, आंखों के लिए सेंसिटिव नहीं होता है, बट इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये स्कैटर नहीं होता है, एकदम डार्क फॉर्म में दिखता है। चलिए, एज अ ट्रैफिक सिग्नल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले दो पार्ट का आंसर कर लेते हैं। ये देखिए, विजिबल स्पेक्ट्रम विबग्योर इज द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ व्हाइट लाइट बीम। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज द बैंड, बैंड मतलब कि चौड़ा पट्टा। ओके, बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट, किसका? कलर कंपोनेंट का ये बैंड हुआ करता है, पट्टी का होती है, ऑफ अ व्हाइट लाइट बीम। यस, रेड कलर लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस सिंस इट हैज अ लोअर वेवलेंथ। लोअर वेवलेंथ, ओ भाई भाई साहब, लोअर नहीं होती, लॉन्गर होती है। हाँ, लॉन्गर ही लिखा हुआ है, लॉन्गर वेवलेंथ एंड इट्स स्कैटर्ड द लीस्ट बाई एयर मॉलिक्यूल, देयरफॉर स्टॉपिंग लाइट एंड द ट्रैफिक सिग्नल इज चूजन टू बी रेड। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने सेटअप दिया है, टू ट्रायंगुलर ग्लासेस प्रिज्म आर केप्ट टुगेदर कनेक्टेड थ्रू देयर रेक्टेंगुलर साइड इज शोन इन फिगर बिलो, व्हाइट लाइट बीम इज पास थ्रू द साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन, विल देयर बी ए डिस्पर्सन सीन? नो वे भाई, पहला वाला आपको डिस्पर्स करेगा और दूसरा वाला उसको क्या कर देगा? कलेक्ट कर देगा, है ना? हाँ, तो यस, व्हेन द लाइट रे इमर्जेस आउट फ्रॉम द सेकेंड प्री, व्हेन द लाइट रे इमर्जेस आउट फ्रॉम द सेकेंड प्रिज्म जस्टिफाई योर आंसर। तो भाई पहला वाला तो आपका डिस्पर्स करेगा, बट दूसरा वाला उसको रिकलेक्ट कर देगा और आपको एक व्हाइट लाइट कर देगा। यस बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या कह रहा है। द गिवन सेटअप विल बिहेव लाइक अ ग्लास स्लैब, विल बिहेव लाइक ए ग्लास स्लैब, मतलब प्लेन ग्लास स्लैब के जैसे बिहेव करेगा कि लाइट आएगी और बाहर निकल जाएगी, रिजल्टिंग द रिकॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेशन, डिस्पर्सन के बाद वापस उसको मिला देना, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट। सो द इमर्जेंट रे विल बी व्हाइट लाइट रे, यस और नो? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बायोलॉजी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। राइट अ मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द फोइलम, फोइलम बोलते हैं इसको, ओके, विच मैकेनिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर प्लांट इन हाइट। भाई साहब कौन सी प्रोसेस, क्या क्या नाम है? जाइलम। भाई विच मैकेनिज्म पूछा गया है, ट्रांसपीरेशन तो नहीं बोलते इसको, यस, पानी को ले जाने वाली प्रोसेस का नाम है, पानी को ले जाने वाली प्रोसेस का नाम, प्रोसेस का नाम बोला गया। देखता हूं भाई साहब आप लोग कितना पढ़ के आए हो। ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोसेस का नाम पूछा गया ना, विच मैकेनिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, यस देखो, विच मैकेनिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, रूट प्रेशर प्लेज, रूट प्रेशर प्लेज, आंसर इज रूट प्रेशर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स एट नाइट। नाइट की बात पूछी गई बेटा। चलिए इसको पूरा पढ़ लीजिए जल्दी से, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो सेक्शन डी में सभी बच्चों का स्वागत है, करते हैं सेक्शन नंबर डी, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 to 36, मतलब 34, 35, 36 आपके लॉन्ग आंसर है, तीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, राइट अ केमिकल फॉर्मूला टू नेम द कंपाउंड विच इज एक्टिव इंटीग्रेडिएंट ऑफ द ऑल द एल्कोहलिक ड्रिंक। यस, जीवन की हर समस्या का हल एल्कोहल, C2H5OH। यस भाई साहब, तो ये आपको दिया गया है, है ना, लिस्ट एट टू वेस, भाई साहब लेकर बनाने में इस्तेमाल होता है, एक तो इसका पता है कि शरद नशीली चीजें बनाने में और कब सिरप बनाने में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही बात है। राइट द केमिकल इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म वेन द कंपाउंड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, बनता है सोडियम एथॉक्साइड, याद आया, रिएक्शन होती है 2C2H5OH प्लस 2Na इक्वल टू C2H5ONa, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो ही डालते हो तो पानी निकाल देता है और बना देता है इथीन, क्या बना देता है? इथीन। ये रिएक्शन याद करके जाइएगा, यही क्वेश्चन आता है। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। यस, एथेनॉल हैविंग द केमिकल फॉर्मूला C2H5OH इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल द एल्कोहलिक ड्रिंक। यूज की बात करते हैं भाई साहब, यूज ऑफ एल्कोहल, एथेनॉल इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एज अ सॉल्वेंट, बेटा घोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेबोरेटरी में भी यूज किया जाता है। एथेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिफाइड स्प्रिट, स्प्रिट के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। और भाई साहब अभी हम लोग कोरोना की त्रासदी से गुजरे हैं, कोरोना में जो हैंड सैनिटाइजर आते थे उसको बनाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यस और नो? यस। चलिए केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन में सबसे पहली रिएक्शन दी है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, ये देखिए आपके पास में इथाइल अल्कोहल प्लस क्या है, हाइड्रोजन, तो मैंने बताया था ये क्या होता है, C2H5O यानी
प्लस हाइड्रोजन गैस निकल, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू द एथेनॉल, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड विच बम्स विद द पॉप साउंड। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप एथेनॉल के साथ इसकी 443 केल्विन टेम्परेचर याद रखिएगा, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो पानी निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, या आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं C2H4। क्या लिख सकते हैं? C2H4, क्योंकि कार्बन दो थे और दो ऑक्सीजन निकल, H2 निकल चुका है, तो आपके पास C2H4 बचेगा। बोलो क्लियर है? हाँ बेटा, ये थोड़ा सा गलत, H5 है, तभी तो दो बचेंगे ना, तभी तो चार बचेंगे। यस और नो? पांच, और आपके पास टोटल कितने थे? पांच और एक छह, छह में से आपके पास में कितने निकल गए? दो, तो बचे कितने? चार, तो बच गया C2H4, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H4O2, C2H4O2। भाई साहब देखिए, सबसे पहले ये है क्या? ये है CH3COOH। क्या है? CH3COOH। तो देखिए, एक कार्बन दो कार्बन, C2 हो गया, हाइड्रोजन तीन और एक कितना? चार, और ऑक्सीजन दो, मतलब पक्का ये कौन सा? इथेनोइक एसिड। इज रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, तो मतलब इसकी सोडियम के साथ आपको रिएक्टिविटी करानी है, तो ये बनता है सोडियम एसीटेट। क्या बनता है? सोडियम एसीटेट। तो इसके हाइड्रोजन हट जाएगा, भी देख लेना रिएक्शन। इवॉल्व्स ऑफ गैस बी, अरे क्या निकलेगी? हाइड्रोजन ही तो निकलेगी। कैचेस अ फायर ऑल्सो रिएक्ट विद एथेनॉल। ओके, कैचेस फायर हो गया, यहां पे बात खत्म। अगला ए, मतलब यही, रिएक्ट विद एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद आ गया? बोलो, खट्टा प्लस नशीला, खट्टा प्लस नशीला इक्वल टू खट्टा मीठा एस्टर। यस, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। देखते ही याद आ जाता है, स्वीट स्मेलिंग मतलब एस्टर। याद आ गया? याद आ गया, मैंगो बाइट का चाम है ना। यस, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। तो भैया बोलो क्या है? ए क्या है? ये है इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। इसके बाद कह रहा है इवॉल्व्स अ गैस, बिलो बी कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कैचेस अ फायर, ए फिर से वही है, ए तो आ गया। अब सी कहां पर है भाई साहब? सी एस्टर है। क्या? सी एस्टर है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एवोल्यूशन ऑफ गैस बी फ्रॉम अ कंपाउंड ए। मतलब गैस बी का एवोल्यूशन बताना है कंपाउंड ए से। ठीक है, लिख देंगे। ओके, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड ए इंटू कंपाउंड सी, मतलब दोनों चीजें जो दोनों ऊपर की रिएक्शन है आपको दोनों बतानी है। आइए देख लेते हैं, जो मैंने पढ़ाया वही आ गया है। ये देखिए, सबसे पहले ए, ए का नाम CH3COOH, बी है H2, और एस्टर का नाम होता है CH3COO, और H की जगह क्या लग जाता है? C2H5। यस, देखिए तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, 2CH3COH प्लस 2Na, यहां से हाइड्रोजन दो ठो गायब हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन गायब हो गए और बन गया 2CH3COONA। इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, सोडियम एसीटेट। क्या है? सोडियम एसीटेट। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। चलिए अब एस्टर की बात, सॉरी एस्टर कैसे निकालते हैं? C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस CH3COOH, यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से क्या निकला? OH, HOH निकल गया H2O बनके। क्या जोड़ दोगे? CH3COO और C2H5, ये बन गया एथिल एथेनोएट। इसका पूरा नाम है एथिल इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनो 8। यस, तो ये बन चुका है आपका एस्टर, ये दोनों रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है देखिए। यस, व्हाई इज द डैमेज ऑफ द ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ द कंसर्न टू अस। ओजोन लेयर का कॉज हमारे कंसर्न के लिए क्यों जरूरी है? स्टेट अ कॉज ऑफ दिस डैमेज। बिल्कुल सही बात है। राइट द टू डिफरेंस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाई द एबायोटिक कंपोनेंट एंड ऑफ एन इकोसिस्टम गिव टू एलिमेंट। ओके, यस, चलिए तीनों पार्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ द कंसर्न बिकॉज द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉर्म टू द सन रीचेस टू द अर्थ। दीज रेडिएशन आर हाईली डैमेजिंग ऑर्गेनिज्म एज कैन कॉज द इनकेस कैंसर, कैटरेक्ट। सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड कैन यूज द डैमेज टू द ओजोन लेयर। ओके, एटसेट्रा कैन कॉज है कॉज डैमेज टू द ओजोन लेयर। बोली क्लियर है? यस, स्किन कैंसर के कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट को बोलते हैं हम लोग मोतियाबिंद, ठीक ना। आंख में जो क्लाउडी स्ट्रक्चर आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैटरेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली, बुढ़ापे के समय, ओल्ड एज में होता है। अब बात करते हैं, ये देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आंसर है। दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस है ना, बाय द एक्टिविटी ऑफ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग बैक्टीरिया एंड अदर स्पायरो
सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड टेम्परेचर हेल्प देम टू फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम. दे कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड हार्मलेस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स डांट कांट एक्ट अपॉन देम. दे कैन बी एक्टेड अपॉन बाई सम फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर. दे कैन इंटर बायोलॉजिकल बायोकेमिकल साइकिल्स. दे कैन नॉट इंटर द बायोकेमिकल साइकिल. दे बिकम पॉल्यूटेंट्स ओनली वेन दे एक्यूमुलेट इन लार्ज क्वांटिटीज एंड नॉट डिग्रेडेड एट राइट टाइम. तभी ये पॉल्यूटेंट बनते हैं. They always act as pollutant, like plastic. वो हमेशा pollutant होगा. Okay, whether the present in small या large quantity. मतलब चाहे आप छोटी सी पन्नी फेंको या आप कूड़े का पहाड़ लगा दो plastic का, दोनों ही pollutant है. Okay, fourth, all the biodegradable wastes should be treated properly before discharging them into the water or soil. उनको पहले treat करो, है ना? जैसे कहते हैं गीला कचड़ा ले ले गाड़ी वाले, फिर उसको treat करते हैं. They can't be treated properly before discharging them into the water or soil. Instead, they can be either recycled or reused. Bolo done? Clear ho gaya? They do not persist in the environment for a long time. They persist in environment for a long time. इस बॉटल को गड़ा दो, 10 साल बाद भी आप जमीन खोदोगे तो ये बॉटल ही निकलेगी. ओके, मतलब ये लॉन्ग टाइम परसिस्ट करते हैं. इसको जो एंजाइम होते हैं वो इसको डिसॉल्व नहीं कर पाते, इसको तोड़ नहीं पाते हैं. For example, urine and facial matter, sewage, paper, vegetable and fruit peels, agriculture residue, wood and cloth. मतलब जितना बेटा आपके घर में गीला कचरा निकलता है, जितना भी गीला कचरा निकलता है ना, even उसमें human skeleton भी हो, है ना, या मतलब इंसानों की जो भी मलमूत्र होते हैं वो भी है, वो सबका सब क्या बायोडिग्रेडेबल होता है. फॉर example, हैवी मेटल लाइक mercury, लेड, arsenic, रेडियो एक्टिव वेस्ट लाइक यूरेनियम, प्लूटेनियम, insecticides and the pesticide like DDT and BHC. बेटा ये जो होते हैं ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं. ओके, सेकेंड पार्ट देखिए. द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट आर नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट. एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल. मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अबायोटिक. क्या बोलते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स फॉर द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टूवर्ड्स लाइट. मूवमेंट ऑफ अ शूट टूवर्ड्स लाइट, मतलब कि लीव का मूवमेंट अलग है प्लांट्स का, और शूट टूवर्ड्स लाइट मतलब लाइट की तरफ झुकना, आई थिंक यही होगा ना, एक अलग बात है. ओके, सेकेंड पार्ट है, हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी. दूसरा है कि ब्रेन जो है हमारे बॉडी में किस तरीके से प्रोटेक्टेड है. चलिए तो जल्दी से आपको मैं दे रहा हूँ टाइम एक मिनट का विद इस, ये आपके सामने एक बढ़िया सा कोटेशन लिखा है, योर हार्डवर्क लीड्स टू स्ट्रांग फाउंडेशन. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आपका हार्डवर्क जितना ज़बरदस्त होगा आपका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग बनेगा. आपने आज जितनी मेहनत कर रखी है अपने आप को बनाने में, ये मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी, ये मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी. आज आपका हार्डवर्क आने वाले समय में सूरज के जैसे चमकने वाला है. भले आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, मगर बाद में आपको ये हार्डवर्क जरूर समझ में आएगा. चलिए तब तक इसको, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को आप लोग पढ़ना शुरू करिए, आपके पास एक मिनट का टाइम है. हाँ, ये देखिए ह्यूमन ब्रेन वाला क्वेश्चन दिया गया है कि वो सेफ क्यों है, इसको भी पढ़ लीजिए. तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था. उसके बाद फिर से आ जाते हैं देखिए अगले क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. पहला पार्ट दिया गया है. दूसरा पार्ट दिया गया, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन टू डिफरेंट वेज. देखो भाई साहब, एक इसमें यूं आ रहा है और एक इसमें यूं आ रहा है. तो मैं आपको ये तो बता देता हूं, इसमें इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो फील्ड के पैरेलल है. फील्ड के क्या है? पैरेलल. जब आप फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के उल्टे आओगे तो कोई आप पर फोर्स लगने वाला नहीं है. हाँ, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहे हो तो आप पर जरूर फोर्स लगेगा. तो देखिए इसको निकाल सकते हैं किस तरीके से. अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए, ये लीजिए मैग्नेटिक फील्ड. अब बताइए करंट कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे? अरे करंट नीचे है, इलेक्ट्रॉन नीचे है तो करंट कहाँ जाएगी? ऊपर. करंट कहाँ जाएगी? ऊपर. क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे चलता है तो करंट कहाँ जाती है? ऊपर जाती है. ये देखिए तो फोर्स कहाँ जा रहा है? स्क्रीन के अंदर की तरफ. मतलब फोर्स लगेगा इनवर्ड. कहाँ जाएगा? इनवर्ड. समझ गए ना? यस, बिल्कुल. आपकी मोबाइल स्क्रीन के अंदर की तरफ फोर्स जाएगा, है ना? तो इनवर्ड फोर्स जाएगा. चलिए अगला केस है. सो ये हो गया स्टेट द फ्लेमिंग हैंड लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रॉन इंटरेस्ट वाला केस हो गया है. सोरेन बीरो, आइडेंटिफाई इन ईच केस द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम. तो बेटा सेकेंड केस में क्या होगा? मिनिमम होगा. और इस वाले केस में क्या होगा? मैक्सिमम होगा. गिव रीजन फॉर योर आंसर. स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. इसमें आपको डायरेक्शन बतानी, तो मैंने बता दिया था. डायरेक्शन क्या थी? इनवर्ड. क्या थी? चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल हो चुका है. अब देखते हैं इसका सिस्टमैटिक आंसर. वाह भाई, तो पहला क्वेश्चन था ए मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर. ओके, मतलब कि एक मैग्नेट जो होता है जिसके कोर में, ये देखिए ये आपके पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके कोर में क्या रखा रहता है? सॉफ्ट आयरन.
कोर विद अ क्वाइल इंसुलेटेड वायर राउंड ऑन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस प्रकार की सोलेनॉइड जिसमें अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रखा हो, तो सॉफ्ट आयरन कोर के बाद ये जो सोलेनॉइड बनती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात की जा रही थी, ये देखिए प्यारा सा हाथ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। बिल्कुल आपको ये डायग्राम नहीं बना के रखना हाथ का, हाँ समय मिल जाए तो आप ये कलाकारी कर सकते हैं। केवल आपको लेना है कि ये वाली फोर फिंगर है, ये वाली आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये जो आपका अंगूठा है, ओके इस तरीके से बना दीजिएगा तो अंगूठा दिखाई देगा। ये आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये देगा आपको फोर्स, ये देगी आपकी क्या मैग्नेटिक फील्ड और ये देगी डायरेक्शन ऑफ करंट। बोलिए यस और नो? यस। तो बस इतना सा आपको बना करके आ जाना है। ओके चलिए, हाँ अब बात की जा रही थी कि फोर्स कब होगा इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम। फोर्स इन द इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम इन केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या था भाई साहब, देख लीजिए, ये था केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में फोर्स जो होगा मैक्सिमम होगा, बिकॉज हियर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मोशन की जो डायरेक्शन थी वो परपेंडिकुलर थी फील्ड के, इसलिए फोर्स मैक्सिमम लगेगा। और अगर मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन जा भी यहीं रहा है और फील्ड भी यहीं है, तो फोर्स क्या होगा? मिनिमम। द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, दैट इज जीरो इन द सेकेंड केस। मैंने बताया था ना फोर्स जीरो होगा, यस और नो? फोर सेकंड के फर्स्ट केस, सेकंड केस में क्या होगा? जीरो। ये देखिए अभी तक लिखा हुआ है फोर्स इक्वल टू कितना? जीरो। यस। तो बिकॉज इन द केस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्ट इनवर्ड, डायरेक्ट इनटू इट। बोलो क्लियर है? यस। तो दे हो गया बच्चों कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा ये लास्ट सेगमेंट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39। ये हमारे बड़े एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ना पड़ेगा हमको भाई। देखो इतना सब कुछ ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं तो सीधे लास्ट की लाइन का जवाब दे रहा हूँ जो हमारे काम में आती है। ओके, वॉट इज रस्टिंग, हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग। मतलब ये देखिए आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना। क्या बोलते हैं यार इनको, वैल्यू बेस्ड बोलते हो? केस बेस्ड। केस, बिल्कुल सही, ये केस बेस्ड है ना। तो केस बेस्ड है। पहला क्वेश्चन देखिए, वॉट इज रस्टिंग, हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग। चलिए आप लोग क्या चाहते हैं, इसको मैं पढ़ दूं पूरा? नहीं पढ़े। चलिए तो रस्टिंग क्या है भाई साहब, सीधे रस्टिंग देखते हैं। तो रस्टिंग क्या होती है, देखिए, द डिटोरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ एन आयरन प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्टिंग। बस रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाई ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड पेंटिंग। ये लो भैया पहला आंसर हो गया, समझ गया ना? मतलब मेटल का धीरे 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 स्लो तरीके से ईटन अप हो जाना, उनका धीरे धीरे कट कट करके गिरने लगना, खत्म लेयर बाई लेयर, एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस। याद रखना एक ऐसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ओके, रस्टिंग, रस्टिंग देखो, कोरोजन इज डिफाइंड फॉर ऑल द मेटल एंड रस्टिंग इज पर्टिकुलरली फॉर आयरन। रस्टिंग किसके लिए है? आयरन के लिए, मगर कोरोजन सबके लिए है। यस, सबके लिए, ऑल मेटल के लिए कोरोजन वर्ड यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द कोरोजन इज, अब अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो क्या है, व्हाट राइट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन कोरोजन। कोरोजन में कैसी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उसको लिखिए। सो देखिए आंसर लिखते हैं, द कोरोजन ऑफ द आयरन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द सबस्टांस कंबाइन विद द ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यस, तो ये आपका पहला वाला पार्ट खत्म हो चुका है। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं और बी वाला पार्ट, एक्सप्लेन द कोरोजन ऑफ सिल्वर, आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। बेटा आपको ये रट करके जाना पड़ेगा क्योंकि सिल्वर का कोरोजन हमारे ख्याल से रिफ्रेशर बुक्स में दिया गया है, एनसीईआरटी में शायद सिल्वर का कोरोजन नहीं है। यस, ये देखिए, सिल्वर आर्टिकल बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज इन एयर बिकॉज टू रिएक्ट विद द सल्फर। याद रखिएगा कि सिल्वर का कोरोजन ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता है, सिल्वर का कोरोजन जो होता है ऑक्सीजन सल्फर की वजह से होता है। वो सल्फर कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने एटमोसफियर में, एयर में। कंपाउंड विद अ सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो ये देखिए प्योर सिल्वर है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर गया, क्या बना लिया है? सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लिया है? सिल्वर सल्फाइड, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी गई है। बोलिए क्लियर हो गया? सो ये कोरोजन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद देखिए अगला वाला पार्ट, इतनी सी आपके सामने कोई बड़ी सी बात दी गई है, आई थिंक ये हॉर्मोन को रिलेटेड जो भी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, विच हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन ये जरूरी है? आगे पढ़ते हैं, व्हाट आर द वेरियस स्टेप आर इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप मैंने पहले ही आपको बता रखे हैं।
अगला, व्हाट डू यू मीन बाई आर्टिफिशियल किडनी, राइट एनी टू ड्रॉबैक्स ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी। इसके बाद है नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, या तो ये तीन ना लिखें तो सीधे बढ़िया ये डायग्राम बना दें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी मैंने न्यूरोन नेफ्रॉन, बिल्कुल सही नेफ्रॉन, एंड नेम द थ्री पार्ट ऑफ द नेफ्रिक ट्यूबल। तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों, ये आप लोग के डिपार्टमेंट का आंसर है, बायो डिपार्टमेंट, देखिए क्या कह रहा है इसका आंसर। यस एंटी, देखिए एंटी ड्यूरेटिक, ड्यूरेटिक हार्मोन एल्डोस्ट्रोन, द वेरियस स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन और अल्ट्राफिकेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, टैबुलर सिक्रीशन। द आर्टिफिशियल किडनी इज ए मशीन दैट इज यूज टू फिल्टर द ब्लड ऑफ अ पर्सन व्हेन बोथ किडनी आर डैमेज, ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, इट इन्वॉल्व हाई रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, इसमें रिस्क होता है, इट मे कॉजेस इंटरनल ब्लीडिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। चलिए तो ये हो चुकी है, अगला पार्ट देखिए, द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, द थ्री पार्ट ऑफ द नेफ्रिक ट्यूबल आर बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेबुल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टेबुल। ओके एनीवे तो ये हो चुका हमारा, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। यस ऑप्टिक्स आ चुकी है, कंसिडर ए रे ए लाइट ए बी पासिंग थ्रू द एयर मीडियम, ये तो पूरा का पूरा ये पढ़ने वाला पार्ट है, मेन चीज हम ये देखते हैं, सब कुछ हो गया ये ठीक है। ओके व्हाट कैन यू कंक्लूड रिगार्डिंग द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे फ्रॉम द फिनोमेनन डिस्कस अबव। भाई साहब जब भी ग्लास स्लैब से लाइट निकलती है तो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होती है वापस में क्या होती है पैरेलल, क्योंकि देख लीजिए यहाँ लिखा भी हुआ है एंगल आई वन इक्वल टू आर टू, मतलब जिस एंगल में लाइट प्रेजेंट करेगी उसी एंगल से बाहर निकलेगी। ये देखिए ये आपका एंगल आई वन है ना, ये आपके पास क्या है एंगल I1 और ये एंगल क्या है R2, तो एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2, मतलब लाइट जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से बाहर निकलेगी, सो ये क्या होंगी पैरेलल होंगी, क्या होंगी ये पैरेलल होंगी। तो पहला पार्ट तो ये हो गया पैरेलल, ठीक है ना। राइट द अनदर नेम ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक्सप्रेस इन द इक्वेशन वन इन द पैराग्राफ, कह रहा है कि पैराग्राफ में जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको उसका कोई अनदर नाम बताओ। आई थिंक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इफ द इमर्जेंट रे इन द फिनोमेनन इन इंसिडेंट्स नॉर्मली टू द प्लेन मिरर वॉट, देखो प्लेन मिरर की बात कर दी है भाई, वॉट विल हैपन टू इट, अरे यार प्लेन मिरर में अगर आएगी मतलब आई इक्वल टू कितना है जीरो, तो आर इक्वल टू भी कितना बनेगा जीरो, मतलब उसी पाथ में वापस चली जाएगी। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, यार इसमें तो सिंपल फार्मूला आपको लगाना है ना, क्या लगाना है आपको एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला, देखिए आपको लगाना है फार्मूला वी साइन आई अपॉन साइन आर, एक मिनट एंगल तो दिया नहीं है यहाँ पे, ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, और जब आप बात करते हैं एब्सोल्यूट की तो एब्सोल्यूट के केस में म्यू वन क्या हो जाता है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वन, कितना है वन, और म्यू टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया थ्री बाई टू, कितना दिया थ्री बाई टू, तो टू नीचे आ जाएगा। अब एयर की स्पीड कितनी होती है लाइट में, वी वन मतलब लाइट, लाइट में एयर सॉरी लाइट की एयर में स्पीड, लाइट की एयर में स्पीड थ्री इंटू टेन की पावर कितना 8 अपॉन वी टू मीडियम में अपन को फाइंड करना है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा 3 नीचे पहुंच जाएगा, तो आंसर 2 इंटू 10 की पावर 8 और 3 ऊपर है और 3 यहां से कहां चला गया नीचे हो गया और ये वी, तो 3 से 3 क्या हो गया गायब, आंसर हो गया 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब इसके आंसर्स देखते हैं, बट इसका एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट है, चलिए पहले थ्री पार्ट देख लेते हैं फिर फोर्थ पार्ट देखेंगे। देखिए पहला 39 का फर्स्ट, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट लैटरली डिस्प्लेस फ्रॉम द इंसिडेंट राइट, लैटरली का मतलब देखिए एक यहाँ आ रही थी और ये थोड़ा सा मतलब इसको जाना एक्चुअली यहाँ से था बट वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर के यहाँ से निकलेगी, पैरेलल होगी। ओके द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्रेस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, बिल्कुल सही बात है, इट विल रिटर्न बैक, मिरर वाला क्वेश्चन, इट विल रिटर्न बैक द रिट्रेस अर्लियर पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। चलिए अब इसके बाद फॉर्मूले में हमने निकाल लिया, ये देखो भाई आंसर आ गया था 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन निकाला जा रहा है, वेवलेंथ निकालने की बात की गई है, तो मैंने बताया था फॉर्मूला देखिए 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन कितना म्यू 1 इज इक्वल टू वी 1 अपॉन कितना वी 2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। मैं कहता हूं हमेशा कि पेपर कभी ना कभी एक क्वेश्चन ऐसा देता है जो डिसाइड करता है कि टॉपर कौन बनेगा, ये देखिए ये वो क्वेश्चन है क्योंकि लैम्डा वाली बात बहुत लोग कम लोग पढ़ के गए होंगे। ओके 1 म्यू 2 ओके 1 म्यू 2 मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास और एयर की जोड़ी की बात की गई है, इक्वल टू वी एयर अपॉन वी ग्लास इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा
ग्लास। अब इस क्वेश्चन में आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें निकालना है, ठीक है ना। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर तो कुछ समझ में आएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है, ये मैं पढ़ता हूँ। दस द लेटरल शिफ्ट बिटवीन द इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। कह रहा है कि क्या जो लेटरल शिफ्ट होता है, ये देखिए जैसे मतलब जो गैप आता है ये ओरिजिनल रे का और जो निकलती रे, क्या कह रहा है कि क्या वो ग्लास स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली यार डिपेंड तो करेगा ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्लास स्लैब ज़्यादा होगी थिकनेस, उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो आई थिंक डिपेंड तो करना चाहिए। तो देखिए आंसर, यस द लेटरल शिफ्ट बिटवीन द इमरजेंट एंड इंसिडेंट रे डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब एंड इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। मतलब जितना ज़्यादा आप ग्लास स्लैब को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको बढ़ेगा। ये आप देख भी सकते हैं, अपने पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल को अगर आप इस छोटी सी बॉटल में डालेंगे थिकनेस कम होगी, जब आप उसको बॉटल बड़ा करते जाएंगे, आप उसको घर की बाल्टी में डालेंगे तो वो अलग तरीके से दिखाई देगी। मतलब थिकनेस बढ़ती जाएगी तो लेटरल शिफ्ट भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर समझिए इस चीज़ की नीट की, जो बच्चा पूरी एनसीईआरटी पढ़ता है एक एक लाइन, उसको ही ये क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं पर लिखा होगा, डू यू नो करके आता ना ग्रीन ग्रीन कलर का, वो बीच में कहीं पर छुपा होगा। हाँ बिल्कुल, स्पेशल जो टॉक्स रहते हैं उनमें कहीं पर ये क्वेश्चन छिपा रहेगा। चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं इसका। अगला पार्ट क्या है देखिए, अ लाइट रे ऑफ एंगस्ट 5700 एंगस्ट्रॉम एंटर्स टू द ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे। ओ भाई साहब, मतलब ग्लास स्लैब में लाइट रे की वेवलेंथ फाइंड करनी है। इंसिडेंट रे की कितनी, 5700, कितनी है 5700, 5700 वेवलेंथ है, क्या ये वेवलेंथ है। ओके, एंड कंसीडर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास टू बी 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। चलो भाई सब कुछ दिया गया है आपको, देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया फॉर्मूले में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना, μ2/μ1 इक्वल टू, भाई वी के चक्कर में पढ़ो मत, क्योंकि लड़ाई किससे, इस बार वेवलेंथ से है। तो सीधे सीधे पार्ट उठाओ, μ2/μ1 इज इक्वल टू λ1/λ2। चलिए μ2 मतलब वॉट, इसका ग्लास का कितना है 3/2 है, μ1 कितना होता है 1 होता है, बोलिए यस और नो भाई। μ1 मतलब ग्लास का एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, λ1 आपको कितना दिया 5700 एंगस ट्राम, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा लेमडा जी, हमको पता नहीं है जो, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे, लेमडा जी सबसे ऊपर भेज दीजिए, लेमडा जी आ गया यहाँ पे 5700 एंगस ट्राम, इधर चला गया 2 ऊपर और 3 आ गया कहाँ नीचे, 3 से काट दीजिए, 3 से 19 बार जाता है, बोलिए सोनो 19 बार, 19 3 57 1900, और 1900 गुणे 2 कितना आ गया बोलो 3800 एंगस ट्राम। तो बहुत ही प्यारा पेपर यहाँ पर एलएन ने डिज़ाइन किया है, जो कि मैंने आपको पूरा करा दिया है। ओके, सो कल सभी लोगों का एग्ज़ाम है, तो ये पेपर करिए, और एक पेपर मैं आप लोग को और अभी भेज दूंगा ग्रुप में, तो प्लीज़ आप लोग वो पेपर भी करके जाइएगा, है ना। अभी टाइम है आपके पास, मैं 2 पेपर आपको भेज रहा हूं, तो वो पेपर भी आप लगाने की कोशिश करिए। एंड आई फील कि ये बेस्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। एक तो अपन ने 80 मार्क्स का रिवीजन कर लिया है पूरा का पूरा, और बाकी भी रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज।